आज जो राष्ट्रपति जी ने अपना भाषण दिया और खास करके नए सदन में आके उन्होंने अपनी बात सरकार की ओर से रखी और कम से कम उनका आदर नए पार्लियामेंट भवन में पहली बार हुआ। जब उसका उद्घाटन था तभी उनको वहाँ नहीं बुलाया गया था। जब फाउंडेशन स्टोन डाले उस वक्त भी पहले के राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया था। ये अच्छी शुरुआत है कम से कम कि राष्ट्रपति जी को सम्मान देकर अंदर लाकर अपने जो कार्यक्रम थे उन्होंने उनके मुंह से बोलने के लिए भाषण तैयारी करके दिए थे। उन्होंने वही सब अपने शब्दों में और उनके जो भी कार्यक्रम थे वो उन्होंने कहा। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण केवल मोदी जी का गुणगान गाना और अपने सरकार के ओर से बनाए हुए जो दस्तावेज थे उसी की वो तारीफ करना यही हो सकता है, उनको आदेश होगा तो वही उन्होंने वहाँ पर अपने 1 घंटा 20 मिनट के भाषण में दिया। मैं बोलूँगा कि ये अभिभाषण जो उन्होंने दिया वो एक प्रोपेगेंडा और एडवर्टाइजमेंट मोदी जी का उसमें दिखने लगा और पूरा पॉलिटिकल था। इसमें कोई एक विजन नहीं था, लोगों को दिशा दिखाने का नहीं था, दलितों को, वंचितों को और ट्राइबल लोगों को उनके लिए क्या करने जा रहे हैं उसमें तो कुछ नहीं था। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण अंदर हुआ ये सब में रोजगार का एक शब्द भी नहीं है। इसमें रोजगार कितने बढ़ाएंगे, कितने दिलाएंगे, सरकारी नौकरियों में कब भर्ती होगी, जो वैकेंसीज अब ऑलरेडी है उसका कब रिक्रूटमेंट होगा, इसका कोई उसमें जिक्र नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि एक अपने गरीबों के लिए फंसाने का, दिशा भूल करने का एक डॉक्यूमेंट है। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं, दूसरे तरफ इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। कैसा इसको निपटाएंगे, कैसा लोगों के जीवन को सफल करने के लिए वो प्राइसेस कैसा रिड्यूस करेंगे, हर जो एसेंशियल कमोडिटीज के दाम हैं, आवश्यक वस्तु के जो भी दाम हैं वो कैसा घटाएंगे, इसका भी जिक्र उसमें नहीं है। एससी एसटी बच्चों का समय पर स्कॉलरशिप तो नहीं दे रहे, दूसरे तरफ उस स्कॉलरशिप को भी काट रहे हैं और जो यूजीसी वाले ये अपना एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं कि जो बैकलॉग वैकेंसीज है उनको रिजर्व कैटेगरी के लोगों को उसको जनरल में कन्वर्ट करने का वो बीड़ा उठाए और हर जगह ये फैला रहे हैं कि मेरिट पे लेंगे, वो लेंगे, ये लेंगे। तो इससे यानी बैकवर्ड को कमजोर कर रहे हैं, ट्राइबल कम्युनिटी को कमजोर कर रहे हैं और एससी को भी कमजोर कर रहे हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में उन्होंने ही बोला वो भी कमजोर हो गए। यानी इसके बारे में जिक्र करना जरूरी है, जो लोग वंचित है, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, इनके बारे में सबसे ज्यादा बोलना चाहिए। और जो इस देश में अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, हम अपेक्षा करते थे
कम से कम हमारे राष्ट्रपति जी जो है उस सेक्शन से आती है जिस सेक्शन को हर जगह कुचला जा रहा है, तो उनके बारे में भी उन्होंने क्या कदम उठाना है ये नहीं बताया, और उन लोगों को किस ढंग से मदद करना ये भी उन्होंने अपने भाषण में नहीं कहा। तो आप सोचिए कि राष्ट्रपति भाषण में जिसका उजागर होना था, जो कहना था, ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं गरीबों के लिए, दलितों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, बैकवर्ड्स के लिए, ये तो जिक्र ही नहीं हुआ। जो सालाना 2-2 करोड़ की उनकी 20 करोड़ की योजना है वो कहाँ चली गई, कहाँ तक आई, उसमें कितने भर्ती करें और कितने अभी भर्ती करना बाकी है ये भी नहीं बताया उन्होंने। 15 लाख का भी इन्हों भरा है, 10 साल के बाद तो बताना ना, क्या वो ब्लैक मनी चलते हुए आ रहा है, क्या ब्लैक मनी ट्रेन से आ रहा है, क्या जहाज से आ रहा है, क्या फ्लाइट से आ रहा है, कब आ रहा है, वो भी नहीं बताए। ये जो इनकी आदत है मोदी जी की, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट, छोटी कोई बात करे एडवर्टाइज। मैं नहीं सुना, हम भी लोग चाहे बड़े मुद्दे पे ना हो लेकिन 20-22 साल 25 साल मिनिस्टर रहे, हम कभी सेल्फ प्रोक्लेम्ड एडवर्टाइज नहीं करते थे। जो काम होता है वो लोगों को दिखाते थे, लोग जो कहते थे हमारे बारे में वही राय।